नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर को जाने, चैप्टर 3 मींस एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। इसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं। सीपीयू के अंदर दो बटन होते हैं, पावर बटन एवं रीसेट बटन। यदि हम ब्रांडेड कंप्यूटर की बात करते हैं तो सिंगल बटन होता है जिससे ऑन ऑफ एवं रिस्टार्ट दोनों वर्क करता है। अब हम कंप्यूटर ऑन करने के लिए पावर बटन पर क्लिक करेंगे। पावर बटन की पहचान होती है साइज में थोड़ा बड़ा होता है और रिसेट बटन साइज में छोटा होता है। जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करते हैं उसको प्रक्रिया को बोलते हैं हम बूटिंग। बूटिंग को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कोल्ड बूटिंग एक वार्म बूटिंग। फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर हम ऑन करते हैं वह कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जब कंप्यूटर चल रहा हो उस समय कंप्यूटर किसी कारण से रिस्टार्ट हो जाता है या हम रिस्टार्ट करते हैं उसे हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग होने के बाद में सेकंड जो बूट होता है वो होता है हार्ड डिस्क से, यानी एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हमने कंप्यूटर ऑन किया, सेकंड डिवाइस से कंप्यूटर बूट हुआ, उसमें लिखा हुआ आता है विंडोज़ नेम, विंडो 10, विंडो 7, इटी से जो भी विंडो होती है उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट होने के बाद में आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप। इसके बाद में हम अपना कार्य कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता व सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में तीन लेयर होते हैं, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 10। विंडो 10 कैसे कार्य करता है। यूजर इंटरफेस, सबसे पहले हमने कंप्यूटर ऑन करना सीखा है। पावर ऑन करने के बाद में बूटिंग होती है। बूटिंग दो तरह की बताई गई है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग प्रोसेस के बाद में लॉगिन आता है जिसमें हम यूजर या पासवर्ड टाइप करते हैं। जैसे ही उसको लॉगिन करते हैं उसके बाद में आता है डेस्कटॉप एरिया, जिसमें ऊपर आपको शॉर्टकट आइकन्स दिखाई देते हैं जैसे रिसाइकल मेन, और नीचे स्टार्ट मेनू दिखाई देता है। इसके बाद में हम बात कर सिस्टम ट्रे, जो स्टार्ट मेनू है उसके जो नीचे वाली जो पट्टी है उससे हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे, जिसमें कुछ आइकन हिडन होते हैं कुछ ओपन होते हैं, जिसके राइट में डेट और टाइम शो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने पे जो आइकन दिखाई देते हैं उनको हम क्विक लंच आइकन कहते हैं। इसी प्रकार स्टार्ट मेनू लेफ्ट साइड में बॉटम में दिखाई देता है। डेस्कटॉप पे जो आइकन दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं शॉर्टकट आइकन्स। कुछ डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं, कुछ हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसके आइकन्स दिखाई देते हैं, कुछ हम शॉर्टकट क्रिएट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टास्क व्यू। यदि हमने दो या दो से अधिक एप्लीकेशन ओपन कर रखी है टास्क व्यू पे क्लिक करके और एप्लीकेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस टैब, इसके द्वारा भी हम एप्लीकेशन को बदल सकते हैं। जो हमने एप्लीकेशन खोल रखी है या जिस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं उसकी जगह दूसरी एप्लीकेशन जो ऑलरेडी खुली हुई है उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल डेस्कटॉप टास्क व्यू की हेल्प से जोड़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के द्वारा रिप्लेस किया गया है, इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउजर बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज पहला ऐसा ब्राउजर है जो आपको सीधे ही वेब पेज पर नोट्स लिखना, डूडल तथा वेब पेज पर हाईलाइट करने में समर्थ बनाता है। इसके बाद में विंडो स्टोर, आप विंडो स्टोर से वीडियो गेम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आइकन टास्क बार में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पासवर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडो 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। कोर्टाना को कॉन्फ़िगर करके सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपको विंडो 10 की स्क्रीन भी दर्शा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं।
टॉप में रिसाइकल बिन आइकन दिखा रहा है, इसे शॉर्टकट आइकन भी कहते हैं। ऐसे हम शॉर्टकट आइकन भी क्रिएट कर सकते हैं। बॉटम में विंडो का लेफ्ट साइड में चिन्ह आ रहा है, उसको बोलते हैं हम स्टार्ट मेनू। जैसे हमने स्टार्ट मेनू पे क्लिक किया, आपको कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, इन्हें हम क्विक लंच आइकन कहते हैं। जो आपको नीचे पट्टी दिख रही है, इसे हम सिस्टम ट्रे कह सकते हैं। इसमें सर्च ऑप्शन भी है। विंडो आइकन के जस्ट बराबर में इससे हम डायरेक्ट फाइल सर्च भी कर सकते हैं। फाइल एंड फोल्डर, फोल्डर जिसमें हम फाइल्स यानी डेटा रखते हैं। कंप्यूटर में सबसे बड़ा कंटेनर होता है माई डॉक्यूमेंट, फाइल जिसमें हम वर्क करते हैं। फोल्डर में ओनली नेम होता है, फाइल में नेम और एक्सटेंशन दोनों होते हैं। कंप्यूटर में हम जो डेटा फाइल तैयार करते हैं, इसे हम फाइल कहते हैं। फाइल जहाँ रखी जाती है, उसे हम फोल्डर कहते हैं। हम फाइल को कंप्यूटर ड्राइव में या फोल्डर में रख सकते हैं। फाइल की पहचान, फाइल की पहचान पहले बता चुके हैं। फाइल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो फाइल का नाम, दूसरा फाइल एक्सटेंशन। एग्जाम्पल, जैसे एमएस वर्ड 2010 की फाइल है, फाइल का नाम है राम, तो इसकी पहचान होगी ram.docx। इसी प्रकार सभी फाइलों का एक्सटेंशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एमएस वर्ड 2010.docx। इस प्रकार सभी फाइलों का एक्सटेंशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एमएस वर्ड 2010.docx, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010.xlx, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 PPTX। जैसे एमएस पेंट में हम जो भी फाइल सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है BMP, मीन्स बिट मैप पिक्सल्स। ऐसे ही मूवी फाइल होती हैं, जैसे MPG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऐसे ही जो हम फोटोज या पिक्चर की बात करते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .jpeg। इसी प्रकार हर फाइल का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन से फाइल की पहचान होती है। इसके अलावा फाइल की डिफॉल्ट पिक्चर भी होती है, उससे भी हम पहचान कर सकते हैं। आज हमने कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली है। इस प्रकार हमारा तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो वीडियो चल रही है उसके बॉटम में राइट साइड में सब्सक्राइब का रेड कलर बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके जस्ट बराबर में आपको बेल दिखाई देगी। जैसे बेल पे क्लिक करेंगे, उसमें ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा इससे ऊपर मोर का ऑप्शन है, या डाउन एरो में ट्रे है, उस पर क्लिक करेंगे। और भी हमारे लिंक हैं जिससे आप वीडियो देख सकते हैं। आगे जो भी वीडियो बनेगी आपके पास आसानी से पहुंच जाए, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।